तीन साल बाद जब मन्नू मर चुका था और उसके छोटे भाई जन्नू को खबर की थी कि तुम्हारा मन्नू बड़ा भाई मर चुका है, तो जन्नू को बहुत ज़्यादा गुस्सा आया, तो वो चला गया सीक्रेट एजेंट को मारने के लिए। तो अपने बाइक पे बैठा, उसका पेट्रोल तो बिल्कुल हल्का सा था, तो बैठा और सीक्रेट एजेंट को मारने की तैयारियाँ कर ली। तो वो फटाफट से आया, नीचे आके लगा उसका बाइक, दूसरा आके लगा, उसका जख्म हो गया, उसका खून गिरा। तो फिर उसने एक और मॉन्स्टर ट्रक, एक और गाड़ी मंगवाई। जब गाड़ी मंगवाई तब उसको तो नंबर नहीं आते थे गाड़ी मंगवाने के, उसके पास एक नंबर पड़ा हुआ था जो था 600 उसके पास पड़ा हुआ था, तो 600 लिखते हैं। इवन उसके पास कुत्ता आ जाता है, तो उसको गुस्सा आता, कुत्ते को मारता है कुत्ता, तो वो अपनी घर निकालता है फटाफट से, कुत्ते को मार देता है, कुत्ता मारा जाता है। तो फिर वो उसके पास एक और नंबर भी पड़ा होता है जो होता है 200, पता उसको नहीं पता होता कि किसका था। तो उसको एक घोड़ा मिल जाता, कहता फटाफट से घोड़े पे चलते हैं, वो बैठने वाला होता है, घोड़ा एकदम से आगे हट जाता है इसलिए उसका मुंह लगता है, तो वो घोड़े को एक थप्पड़ मारते हैं और जाते हैं। तो फटाफट से जा रहा होता है, तो घोड़ा उसको गिरा ही देता है, तो उसको घोड़े पे भी गुस्सा आता है, वो एक और गन निकालते हैं अपनी स्नाइपर और उसके ऊपर शूट करने के लिए ना जूम कर रहा होता है। तो देखते हैं क्या घोड़ा तो कहीं भाग ही गया, तो उसको फिर से गुस्सा आता है, उसके पास लास्ट नंबर होता है 2000। एक घंटे बाद उसकी गाड़ी आती है, ये थी होती है रोल्स रॉयस। तो रोल्स रॉयस में बैठते हैं और सीक्रेट एजेंट को मारने चले जाते हैं। वो तेजी में जा रहा होता है क्योंकि उसको जल्दी होती है, उसकी गाड़ी इतना पलट जाती है, पलट पलट के नजर में उसकी गाड़ी फिर से पहाड़ के नीचे गिर जाती है, उसकी गाड़ी आगे नीचे लगती है, सारा बम्पर वम्पर टूट जाता है। तो अपनी गाड़ी लेकर चलता है, बीच रास्ते में गाड़ी का बीच रास्ते में इंजन बंद हो जाता है, बंद हो जाता है। तो अभी तो बहुत ज़्यादा दूर होता है सीक्रेट एजेंट का घर, तो गाड़ी के ड्राइवर पे लात मारता है, एकदम से इंजन पर सही हो जाता है। तो वो एक प्लेन मिलता है जिस प्लेन से ही उसका भाई मन्नू मिलता है, और वो कहते हैं मैं ये बात शायद पूरी करके ही रहूँगा कि मैं अपने भाई मन्नू वाला काम करूँगा। तो वो अपने भाई मन्नू वाला काम करने के लिए थोड़ी सी सोचता है, फिर उसको समझ नहीं आ रही होती कि मैं करूँ भी ना, तो उसको वो डिसाइड कर लेता है कि मैं करूँ। तो उसको तो उसकी उधर ही रह जाती है। अब उसका मन्नू भाई ने तो गलत जगह से ना वो किया था, तो ये सही जगह से करते हैं। तो फटाफट से उसका प्लेन ही उड़ जाता है, तो उड़ा ही होता है, बीच में
प्लेन आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है, तो प्लेन को बड़ी मुश्किल से सही करता है। इतने द्रव के साथ लगने वाला होता है तो मनु बचा लेता है, तो वो प्लेन जल्दी बचा लेते तो अपना प्लेन मोड़ता है, उसका प्लेन एकदम से क्रैश होने वाला होता है तो फटाफट से चलाने लगा देता है उसका प्लेन। वो पानी के अंदर होता है, उसने अपना सांस बड़ी मुश्किल से रोका होता है, तो अपना सांस लेता है और फटाफट से जाता है। तो उसको पता लगता है कि लोग कहते हैं इस वाले पानी में शार्क्स हैं, तो फटाफट से भागता है, चीखे लगा लगा के। तो उसके एक पाव शार्क जख्मी कर देती है, तो स्विम नहीं कर पा रहा होता, इसलिए स्लो करना पड़ता है उसको। तो शार्क बाग आ रही होती है उसकी तरफ, एकदम से उसको कोई रस्सी दे देता है, तो रस्सी तो बहुत सारी आगे पड़ी होती है, तो रस्सी की तरफ फटाफट से जाते हैं और रस्सी खींच लेते हैं। तो फिर वो फिर से आ जाता है ज़मीन पे, बल्कि आने ही वाला होता है, तो शार्क उसके पीछे फिर से लग जाती है। तो भागता है तो वो फाइनली पानी से निकल जाता है। तो अब वो अपने भाई को बहुत ज़्यादा याद कर रहा होता है, मन्नू को, क्योंकि उसका भाई मन्नू मर चुका था। तो अब इसका टाइम आ चुका था सीक्रेट एजेंट को मारने का, और स्नाइपर निकालता है और फटाफट से स्नाइप करना स्टार्ट कर देते हैं, रॉकेट लॉन्चर गलती से निकाल लेते हैं, फिर वो स्नाइप करते हैं। सीक्रेट एजेंट है काली शर्ट, सीक्रेट एजेंट है वाइट शर्ट वाला, तो वो सीक्रेट एजेंट को मारने के लिए आगे जाता है, क्योंकि उसको सीक्रेट एजेंट नज़र नहीं आ रहा होता। तो वो जाता है थोड़ा सा आगे, तो उसको सीक्रेट एजेंट तब भी नहीं नज़र आता, तो उसको एकदम फाइनली नज़र आ जाता है, उधर होता है, मार दिए उसने, मार देता है मन्नू जन्नू, तो उसके पीछे सारी वो टीम लग जाती है, वो सब मारते हैं, फायरिंग कर देते हैं, वो भागते हैं, फिर उसके पीछे बहुत ज़्यादा लोग लग जाते हैं, वो भागता है पर वो थक जाते हैं, फिर भी वो भागना नहीं छोड़ता, भागता है तो एक बंदे को मार देता है, तो एक लड़की को मार देता है, लड़की मार देती है, तो सीधी रेजल को मार देता है, तो अपनी स्नाइपर निकालता है। मार देता उसकी वाइफ भी पर उसके बीच अभी भी बहुत ज़्यादा पुलिस लगी हुई थी, इसलिए वो भागता है
और पुलिस ने उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी, इसलिए कैप्टन ने तो पुलिस ऑफिसर को किया, तो उसको गाड़ी मिल जाती है पुलिस ऑफिसर की, तो फटाफट से पुलिस ऑफिसर की गाड़ी में बैठता है और उधर से पुलिस ऑफिसर मार के भाग जाता है। तो पुलिस उसके पीछे अभी भी लगी होती है क्योंकि उसने सीक्रेट एजेंट के सबको मार दिया था, तो भाग रहा होता देखते हैं उसके पीछे अभी भी लगे होते लड़ाई करनी पड़ती है। वो फटाफट से गाड़ी में जमता है और फटाफट से भागते हैं क्योंकि वो तो बहुत सारी मुसीबत में फंस चुका था, तो वो भागते हैं। अब उसके पीछे बहुत सारी पुलिस लगती है, तो अब जल्लू क्या करे, अब जल्लू के पीछे अभी भी लगे होते पुलिस, तो वो फटाफट से जा रहा होता है। तो एकदम से वो जाब एक जंप पे आ जाता है, तो जन्नू की गाड़ी गई, जन्नू की गाड़ी बहुत ज्यादा ऊपर चली जाती है और उसकी गाड़ी अब टूटने के लिए नीचे आती है, उसकी गाड़ी सारी टूट जाती है और उसके पीछे सारे पुलिस भी आ जाते हैं। तो फटाफट से भागते हैं उसके पीछे अभी भी पुलिस लगे होते हैं, तो वो जाते हैं उसके पीछे अभी भी पुलिस लगे होते हैं, तो भागते हैं क्योंकि उसके जान ही नहीं छोड़ रहे थे पुलिस, उसके एक्सीडेंट फिर सुस्ता हो जाता है, उसको लगती है फिर वो एक मुसीबत में फंस जाते हैं। गाड़ी तो एक्सीडेंट की वजह से उसकी गाड़ी खराब हो जाती है, तो अपना वो निकालते हैं रॉकेट लॉन्चर स्टिकी बॉम्ब निकालते हैं और उनकी गाड़ियों पर फेंक के इधर छुप जाते हैं, तो वो कर देते हैं तो जो बॉम्ब फेंकते गाड़ियों पर बॉम्ब फेंक जाते हैं। पुलिस ऑफिसर इस वाली पुलिस की अभी भी गाड़ी होती है, ये ना उसका भाई होता है उसका सीक्रेट एजेंट का, ये उसको भी मैं मार देता हूँ। मेरे पीछे अभी भी सारी आर्मी लग जाती है, मेरे पीछे पूरी इंडिया की आर्मी लग जाती है क्योंकि मैं होता हूँ एक सैनिक मेरा, तो मैं भागता हूँ जल्दी भागता है क्योंकि उसका भाई मजबूत बदला है, उसका बदला तो पूरा हो जाता है, पुलिस वालों का बदला पूरा नहीं हो जाता इसलिए वो उसके पीछे लग गए। तो पुलिस वालों से बचने के लिए बहुत तेजी में भाग रहा था और उसके पीछे उस गाय में जोर नहीं गिरा था, यहाँ पर ट्रेन खड़ी होती है उसके बस उसके उधर से निकल जाते और फटाफट से बहुत तेजी में जा रहा होता है, उसके पीछे अभी भी पुलिस लगी होती है, तो जा रही होता है उसको गाड़ी नजर आ जाती है, उसके साथ उसका टक्कर हो जाती है और जन्नू जब उठता है तब उसकी गाड़ी तो फट चुकी होती है, तब उसका तब तक पुलिस पीछा छोड़ देती है, तो एकदम से उसको कहीं ना कहीं से गोली लग जाती है। वो जा रही होता है वो अपना फोन देखता है तो एकदम से उसको किसी की गोली लग जाती है और इस वजह से जन्नू भी मर जाता है।